हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नैनीताल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये हमारा है नैनीताल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट्स में चलते हैं। यहाँ पे तो ये एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स एंड एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो इस पर क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे, तो हमारी स्क्रीन पे ये ओपन होके आता है, द नैनीताल बैंक लिमिटेड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटीज एंड रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स। दो वैकेंसी है यहाँ पे, तो देखते हैं कितनी कितनी सीटें हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21 साल। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 30 साल। कब? 31 दिसंबर 2021 तक ये मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की डिमांड है। क्लर्क के लिए कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं। इसमें भी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज कितना? 30 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एज क्राइटेरिया और कितनी सीटें हैं। अब आगे देख लेते हैं कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस इन इज इसेंशियल है। तो मतलब ये भी जरूरी है। और क्लर्क के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। दोनों में डिमांड तो सेम है, दोनों में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब इसेंशियल है वो दोनों में सेम है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें प्रिफर्ड एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं मतलब कैंडिडेट हैं उनको प्रिफर्ड किया जाएगा इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो गया हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये हमारा पे स्केल है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये है लमसम और क्लर्क के लिए ये है लमसम। इसमें एक बॉन्ड भी होगा, कितना अमाउंट ऑफ बॉन्ड कितना होगा? मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 2 लाख का बॉन्ड होगा जो 1 साल के लिए रहेगा, आपको 1 साल तक करना ही करना पड़ेगा नहीं तो फिर आप 2 लाख भरेंगे। और क्लर्क के लिए कितना रहेगा? 1 लाख है जो मिनिमम बॉन्ड पीरियड कितना रहेगा? ये 2 साल का है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट किया जाएगा ये। उसके बाद देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई में, देख लेते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फिर पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट ऑफ फीस देखते हैं कितना होगा। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट कैन अप्लाई मतलब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 1 फरवरी 2022, मतलब आज से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 15 फरवरी 2022 तक। एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, अदर ऑफलाइन या अदर मोड कोई भी होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा कब से आवेदन होगा और कब तक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि फी कितनी लग रही है। तो ये हमारा एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेज के साथ है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 1500 रुपये है और क्लर्क के लिए भी 1500 रुपये है। तो ये था हमारा किसके बारे में, नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया टू नो मोर अपडेट्स एंड प्लीज डू लाइक एंड कमेंट्स शेयर आल्सो। थैंक यू।